अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यार सबसे पहले आप जो है ना टेम्परेचर देखें, -5 पे भी है और बाहर स्नो की चादर बिछी हुई है। और आगे आप देखें क्या टेम्परेचर होने वाला है, 4, 5, 8, 6, मतलब माइनस में टेम्परेचर आज सारा दिन, रात तक, कल सुबह 7 बजे तक -13 तक जाएगा। तो यार आज हम सुबह सुबह उठे हैं और मतलब कल रात भी हल्की हल्की स्नो हो रही थी, लेकिन आइडिया नहीं था कि स्नो इतनी आगे तक जाएगी। और अभी उठे हैं तो बिल्कुल वाइट वाइट हुआ हुआ। मैं भी आपको बाहर खिड़की से थोड़ा सा दिखाती हूँ। और ये जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हीटर हैं जिन्हें हम टिप्लिनियम कहते हैं, ये यहाँ पर लगे होते हैं। ये इसकी दूसरी, ये पाइपलाइन है इसकी। तो ये वाले जो हीटर्स हैं ये नहीं चल रहे अभी सही है, तो बड़ा काम ख़राब हुआ पर है। तो ये जो है ना मैंने खुद खरीदा था बिश्की का के, तो अभी इससे काम चला रहे हैं, लेकिन ये बहुत बेहतर हीटर है एज़ कम्पेयर टू टेप्लीनियम। लेकिन खैर अभी इससे काम चल रहा है हमारा। माय गॉड, ये देखिए अभी भी आपको स्नो पार्टिकल्स हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे, मतलब अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही है। ओह माय गॉड, सब कुछ वाइट 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 वाइट। और ये स्नो बिल्कुल फ्रेश स्नो है, ताज़ा, नरम नरम। ओह इसको जोर से बंद कर। सर ये मामला होता है, मैंने सोचा आज वीडियो बनाती हूँ आपको, वो थोड़ा बिश्केक का वेदर बताती हूँ। ये सीज़न की फर्स्ट स्नोफॉल है यहाँ पर 2021, मतलब जो सीज़न विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ उसकी फर्स्ट स्नोफॉल है। मैंने सोचा थोड़ा ये बताती हूँ आपको। तो ये लाइट्स देखें आप हमारे रूम में सारी चारों तरफ, और ये मिरर पे भी। तो ये लाइट्स भी आपने देखी सारी। ये बेसिकली मुझे काफ़ी टाइम से शौक था कि मैं एलईडी लाइट्स लगाऊं, और ये 50 मीटर की लाइट है, काफ़ी लंबी है, ये आप देख सकते हैं, मतलब पूरे रूम में कितनी सारी पूरी आ गई हुई है ये। तो ये 50 मीटर की पूरी लाइट है जो मुझे 1100 में मिली है, सही है। बेसिकली वो दूसरी वाली भी मिल रही थी, वो जो टेप वाली होती है और जो बस दीवार पर ऐसे लगानी पड़ती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर की लाइट थी। हाँ जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर की लाइट थी और वो मुझे मिल रही थी 1500 सोम की, और वो थोड़ी सी थी, लाइक वो इस दीवार पे भी मुश्किल से पूरी आनी थी, मतलब इस वाली दीवार पे भी। तो फिर मैंने सोचा यार क्या करें, रूम तो अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर मैंने ये वाली लाइट देखी और ये मैंने ली, काफ़ी अच्छी लाइट है ये ना, मतलब 50 मीटर की ये लाइट है और पूरे रूम में इतने अच्छे से लग गई है सारी ना। तो ये मुझे 1100 में मिली थी। तो अब मैं घर लेके गई तो सबसे ज़्यादा मसला था इसको दीवार पे लगाऊं कैसे। मैंने पहले ये शीशा टेप तो बिल्कुल भी, वो जो स्कॉच टेप होती है तो बिल्कुल भी इसका चिपकती नहीं। फिर ये जो बैंडेज वाली, जिसको हम कपड़े वाली टेप कहते हैं, ये टेप इसके साथ लगाने की कोशिश की, तकरीबन आधी दीवार पर मैंने लगा ली तो वो सारी नीचे गिर गई। लाइक ये देखें आप देख रहे होंगे, ये नहीं इतनी ग्रिप इसकी ना। फिर मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया, यार ये शीट वाली दीवार है ये, तो इसके ऊपर जो है वो कैसे लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पर कील या नेल जो भी चीज़ें हम कहते हैं वो हम नहीं लगा सकते। तो फिर मेरे जहन में आया, फिर मैंने ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना, ये मिलते हैं लाइक हैंग करने के लिए, इसको आप क्या कहेंगे, होल्डर या हैंगर वगैरह हैंग करने के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये इस तरह की क्लिप्स ये मैं लेके आई, 9 9 क्लिप्स लेके आई ऐसे सारे, और एक मैंने इधर लगाया, ये इस तरह की क्लिप्स। तो मैंने तकरीबन 9 क्लिप्स लिए, ठीक है, और फिर ये मैंने लगाई गई अंदर, डाली गई वायर्स इन क्लिप्स के, और ये फिर पूरा इतना अच्छा से लग गया और वो ग्रिप भी इतनी अच्छी है इसकी। तो ये बड़े बेस्ट तरीके से मेरी लाइट्स जो हैं ये लग गई रूम में, और इतना मज़े का माहौल होता है। अभी ज़रा दिन है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब रात होती है तो ये विंडोज़ से बिल्कुल भी रोशनी वगैरह नहीं आ रही होती और दरवाज़ा लाइट्स वगैरह सारी बंद होती हैं, तो हम एलईडी लाइट्स जब चलाते हैं तो क्या माहौल होता है, फुल डिस्को वाला माहौल होता है।
तो ये मेरी ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी किया, आपसे शेयर भी किया। 1000 सोम की है मेरी 50 मीटर की लाइट आई थी जो बहुत लंबी है, मैंने अपने मिरर पे भी लगाई हुई है। और बाकी जो क्लिप्स आई मेरी 9 क्लिप्स आई थी तकरीबन 300 सोम्स की, तो 1300 सोम में कोई खर्चा हुआ और थोड़ी सी मेहनत हुई मेरी और मेरा एक सेटअप और एक अच्छा सा मेरा शौक पूरा हो गया। तो ये सारा मेरा मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ थोड़ा सा। बट आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन विद माई रूममेट हमने डिसाइड किया कि हम क्या खाएंगे, मतलब हमें काफ़ी टाइम लगता है डिसाइड करने में कि हम क्या खाएं ना। तो अभी हमने सोचा है कि अभी हम नाश्ता करते हैं चुप करके, पराठा और चाय, क्योंकि ये चाय पीना लाजिम है मौसम यू नो। तो अभी हम पराठे और चाय खा रहे हैं, ठीक है। फिर अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, आप देख सकते हैं सही है। और मेरी रूममेट जो है वो कैमरा पकड़ के खड़ी हुई है, बाकी अपडेट्स आपको बाद में देते हैं। तो जनाब ये हमारी चाय बन रही है, ये हमारा ऑलिव ऑयल में ऑमलेट बनेगा और यहाँ पर हमारे पराठे बने हुए हैं। सो गाइस दिस इज आवर ब्रेकफास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ऑमलेट पराठा चाय और अचार। क्या ब्यूटी चेक करें यार, ब्यूटी चेक करें, बाहर ऐसा वेदर हो और यहाँ गर्मा गर्म। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी बस हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और मैं बाहर जाके आपको प्रॉपर मौसम की सूरत हाल एक बार दोबारा दिखाती हूँ। दिस इज बिस्किट बेबी, सारा चेक करो उनको। और आप लोगों को पता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि तकरीबन कल रात से आज सुबह बल्कि दोपहर तक स्नो बिल्कुल होती रही, और अभी जो स्नो है ना कुछ नरम नरम भी है, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से जम भी चुकी है रोड वगैरह पे। और जब इस तरह से स्नो जम जाती है ना तो बस बिल्कुल फ्रीजर वाला माहौल हो जाता है। अभी अगले 3-4 दिन फुल सर्दी रहने वाली है, बिल्कुल फॉग हो जाएगी और नीचे स्नो पड़ी होगी और अखीर लेवल किस्म की सर्दी हो जाएगी। और तो हालात कुछ ऐसे हैं, ये आप चेक करें, गाड़ी पे स्नो, मतलब ये चलाएगा कैसे यार गाड़ी अपनी, इस गाड़ी का तो ज्यादा ही खराब हालत है, ये तो फिर भी ठीक है। खूबसूरती सब कुछ वाइट, पानी इकट्ठा हुआ और ऊपर हल्की हल्की बर्फ की लेयर जमी हुई है, ये देखिए बर्फ, ये बर्फ। और जब आप स्नो को पचलते हैं तो ऐसे क्रक क्रक की आवाज आती है, ऐसे गाड़ी शेप कर रही है अपनी। ओ यार अभी का सीन कुछ ये है कि मुझे बाहर जाना था, क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ATM से पैसे निकलवाने थे। तो मैंने सोचा थोड़ा मौसम भी जो इन्जॉय कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी स्नो भी दिखा देते हैं। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि YouTube पे थोड़ा एक्टिव रहूँ, क्योंकि मैं दिल यार अभी सुस्ती छोड़ूँ और फ्री टाइम में कुछ भी किसी भी चीज़ की छोटा सा 2 मिनट का 1 मिनट का जो भी मैं कर रही हूँ वो व्लॉग अपलोड किया करूँ ज़रूर, ताकि मैं अपनी ऑडियंस अपनी YouTube फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट में रहूँ। तो गाइस यहाँ पर अभी हम अपना ATM करने आए हैं, पैसे निकलवाने आए हैं। देर अभी मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करवाने ही भी थी, तो मुझे बांग्लादेश से मेरे कुछ फैंस मिले। तो क्या नाम है आपका? आयोन। और आपका? अब्रार।
ये इनका फर्स्ट ईयर है यहाँ पर और ये ढाका से है। ठीक है, हाँ हाँ सिलेक्ट से है, मैं सिलेक्ट से हूँ, ये कुश्तिया से। अच्छा, आपको उन यूट्यूबर का पता है सादिया रिन, वो हाँ हाँ सादिया रिन हम जो कोरिया से थी ना, इमान भैया, हाँ इमान भैया तो मैं उनको काफी फॉलो करती हूँ, काफी मैं उनकी फैन हूँ। बाकी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। जी जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। यार अगर आपको पौंचिक यानी डोनट खाना है अच्छे वाला बिश्केक में, बहुत यमी लीशियस, तो ये मोए पौंचिक यहाँ पर आप आ सकते हैं। ठीक है, और इनके वैसे सारे फ्लेवर्स मैंने ट्राई किए हैं, वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाला जो लेवल है ना न्यूटेला वाला बहुत अच्छा है। तो गाइज़ यहाँ पर है मोए पौंचिक का डोनट, यमी लीशियस। तो गाइज़ ये है बिश्केक का मिनी सो सो जो भी है ये रहा। तो यार अभी हमें मनी का ज्वेलरी पे एक छोटा सा काम था, मेरी फ्रेंड ने वहाँ से एक चेन ली थी, वो टूट गई है लेकिन वो वारंटी में, उन्होंने बोला आप लेके आओ हम आपको रिपेयर कर देंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ये रही मनी का और ये रही वो चेन। तो यार ये आप देख सकते हैं इनकी जो गोल्ड सॉरी सिल्वर की काफ़ी अच्छी इनकी ज्वेलरी है और काफ़ी रिजनेबल भी है। आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं मनिका पे, ये इनका कार्ड है, ये इनका ब्रांड नेम है। और ये रही हमारी चेन, मतलब मेरी फ्रेंड की जो टूट चुकी है यहाँ से, और ये सिल्वर चेन ना ये हमें 1300 सोन की मिली थी। यार यहाँ पर ये नाइट सीन्स हैं, भी करें ब्रो इवनिंग सीन्स। फुल माहौल सर्दी है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर, गरम गरम छल्ली, लेकिन किर्गिज में से कहते हैं कुकुरुजा कुकुरुजा। बड़ा मजे का मौसम है, ओ माय गॉड। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ यूट्यूब पे और आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस लेके आऊँ। और एक छोटी सी बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, लाइक मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, यूनिवर्सिटी रूटीन या किसी चीज़ के बारे में आपको बता दिया, तो वो मैं आपको अपना ओपिनियन दे रही होती हूँ। लाइक हो सकता है वो चीज़ आपको बुरी लगती हो लेकिन मुझे पसंद है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो मैं आपको फोर्सफुली वो चीज़ करने के लिए नहीं बोल रही होती हूँ, वो जस्ट मैं आपको अपना ओपिनियन दे रही होती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।